गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था साइंस में, सिक्स क्लास में, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, उसके बाद से हम जो है चैप्टर को रीड करते हैं। लेट अस बिगन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट करना चाहेंगे, देखेंगे कि उसमें हमको फूड आइटम्स में क्या प्राप्त होता है टेस्ट करके। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो है कार्बोहाइड्रेट्स कई प्रकार का होता है। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। तो हमारे भोजन में मुख्य रूप से जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च और शुगर के रूप में मिलता है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। तो हम आसानी से ये जान सकते हैं कि हमारे भोजन में जो है स्टार्च उपलब्ध है या नहीं करके, ठीक है। तो टेस्ट फॉर स्टार्च के लिए क्या करना है, ठीक है। स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इन्ग्रीडियंट। तो हमने एक कच्चा जो है अवयव या कच्चा जो है भोजन कच्चा भोज्य पदार्थ लेना है, ठीक है। पुट टू और थ्री ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन ऑन इट और उसके ऊपर दो या तीन बूंदें ड्रॉपर के माध्यम से आयोडीन सोल्यूशन की डालनी है, यानी कि आयोडीन के विलयन की डालनी है। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। तो हमने ऑब्जर्व करना है कि उसका जो कलर है फूड आइटम का वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि वो काला या नीला में बदला है या नहीं बदला है करके, ठीक है। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। तो अगर उसमें ब्लू ब्लैक कलर्स आ जाता है उस रॉ मटेरियल में कुछ देर बाद आयोडीन सोल्यूशन डालने से, तो इससे पता लग जाएगा कि उसमें जो है उस रॉ मटेरियल में स्टार्च कंटेन है, यानी स्टार्च मिला हुआ है, ठीक है, जिस स्टार्च को मंड देते हैं। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स एंड फाइंड आउट व्हाट ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। और ऐसा ही अन्य जो भोज्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनमें भी ऐसा ही टेस्ट करके आप देखिए कि उनमें स्टार्च पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, ठीक है। टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के लिए क्या टेस्ट करना है, टेक ए स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। आपने जो है एक थोड़ा सा अंश लेना है भोजन का और उसमें टेस्ट करना है प्रोटीन के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, अगर जो आपने फूड लिया है वो सॉलिड फॉर्म में है यानी ठोस रूप में है, यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। तो आपने उसका या तो पेस्ट बनाना पड़ेगा या पाउडर के रूप में उसको जो है बदलना पड़ेगा। ग्राइंड और मैसे स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ द फूड आइटम, तो उसको ग्राइंड करके पीस करके तो उसको आप छोटे भोजन या उस भोजन को आप पीस करके जो है कम मात्रा में जो है यूज़ कर सकते हैं। पुट सम ऑफ दीज अ क्लीन टेस्ट ट्यूब और उसके बाद उसको जो है एक साफ परख नली में डालिए। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड सेक द टेस्ट ट्यूब और 10 बूंद उसमें पानी डाल करके उसको हिलाइए टेस्ट ट्यूब को। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू दी टेस्ट ट्यूब। और उसके बाद क्या कीजिए, उस ड्रॉपर के माध्यम से उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की और 10 बूंद जो है कास्टिक सोडा की उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालिए। जैसे यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया है, कास्टिक सोडा और सॉल्ट सल्फेट एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले वो भोजन का अवयव लेके उसको हिलाना है थोड़ी देर, फिर उसके बाद उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट की और 10 बूंदें कास्टिक सोडा की डालनी है। सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स और कुछ देर जो है उसको टेस्ट ट्यूब को हिलाइए और कुछ देर के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, जो पदार्थ जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है क्या वो बैंगनी रंग का हो गया है, सॉरी जामुनी रंग का हो गया है। अ वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। तो जो बैंगनी जामुनी रंग का कलर होता है वो यह दर्शाता है कि उस भोजन में प्रोटीन की मात्रा थी करके, ठीक है। फैट के लिए हम जब टेस्ट करते हैं तो कैसे होगा, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। तो आपने छोटी मात्रा में जो है कोई भोज्य पदार्थ लेना है, रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट और उसको एक पेपर के अंदर लपेट करके उसको तोड़ देना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टियर, आपने ध्यान देना है कि पेपर ना फटे करके। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली और उसके बाद पेपर को स्ट्रेट करके और उसको ऑब्जर्व कीजिए। डज इट हैव एनी ऑयली पैच, क्या आपने उस जो पेपर है उस पर कोई तेलिए जो है दाग या तेलिए जो धब्बा है वो देखने को मिलता है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आप पेपर को लाइट के पास लेके जाइए। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच, तो आपको जो लाइट होगी वो
धुंधली सी उस पेपर पेपर में बना हुआ जो पैच होगा उसके द्वारा दिखने लगेगी। द ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज द फूड आइटम कंटेन्स फैट। तो जो ऑयली पैच होगा पेपर के अंदर जो है दर्शाता है कि जो आइटम था फूड आइटम था उसमें वसा मौजूद थी, यानी फैट मौजूद था, ठीक है ना। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर थ्री न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स। दीज आर ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स दैट वी प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। वाई डू वी नूट नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। तो जितने भी ये तीन चीज़ें जो हमने टेस्ट करके पता लगाई थी और इसके साथ साथ जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं ये भी हमारे विभिन्न जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें सम्मिलित होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। तो हमें इन सभी भोजन की जो कंपोनेंट्स हैं इनकी आवश्यकता क्यों होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है। वट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अवर बॉडी, यानी कि जो विभिन्न पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट दिया है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी, फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर को, और फैट जो होती है वसा वो भी जो है ऊर्जा प्रदान करती है, लेकिन जो वसा होती है वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक जो है ऊर्जा प्रदान करती है। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो जो भोजन वसा और कार्बोहाइड्रेट से संयुक्त तो होगा उसे उसे जो है ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, और प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत का कार्य करता है। फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो जो प्रोटीन्स होते हैं उन्हें जो है बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है, यानी कि शरीर के निर्माण करने वाला भोजन। विटामिन हेल्प इन द इन प्रोटेक्टिंग और बॉडी अगेंस्ट डिजीज। तो जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर की विभिन्न रोगों के या सुरक्षा प्रदान करते हैं। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आइज बोन टीथ एंड गम्स हेल्दी। जो विटामिन होते हैं वो हमारी आँख हड्डियों दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम्स। तो जो विटामिन होते हैं वो विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो कुछ विटामिन यहाँ पे नाम दिए हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी एंड विटामिन के। देयर इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और उसके अलावा एक अन्य विटामिन का ग्रुप होता है जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। तो हमें जो है अपने शरीर के लिए सभी प्रकार के जो है विटामिन की आवश्यकता होती है, एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, और अपने स्वास्थ्य को जो है संतुलित रखने के लिए और शरीर के विकास के लिए जो है सभी विटामिन की आवश्यकता होती है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर शोन फिगर 2.10। और कुछ मिनरल्स के नाम आपको यहाँ पे कुछ मिनरल्स के जो है चित्र आपको फिगर 2.10 में दिखाए गए हैं, जैसे आप देख पाए होंगे यहाँ पे सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन, आयोडीन के ये सोर्स के दिखाए गए हैं। सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस के ये दिखाए गए हैं। सम सोर्सेज ऑफ आयरन, लोहे के जो हैं स्रोत दिखाए गए हैं। सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम जो मिनरल होता है उसके स्रोत दिखाए गए हैं आपको, ठीक है। मोस्ट फूड आइटम यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। हावर इन गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर। यानी कि जो होता है प्रत्येक जो भोजन होता है उसमें कम से कम एक पोषक तत्व तो आवश्यक रूप से पाया जाता है। इसके साथ साथ किसी किसी भोजन में या किसी जो कच्चा जो पदार्थ होता है कच्चा भोज्य पदार्थ होता है उसमें एक से अधिक पोषक तत्व हैं वो भी पाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। यानी कि जो चावल होता है उसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है अन्य पोषक तत्वों के अलावा। तो कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो राइस है जो चावल है वो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ भोजन का स्रोत है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स अवर बॉडी नीड्स डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर। इसके अलावा हमारे शरीर को जो होता है वो नुकसानशील भोजन, रेशेदार भोजन और जल की आवश्यकता होती है। डाइट्री फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइट्री जो रेशेदार भोजन है उसको हम जो है रफेज नुकसानशील भी कहते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाई प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर फूड्स। जो रफेज होता है वो प्लांट
के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनसे हमें भोजन मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्सेज ऑफ उपेक। तो जितने भी अनाज, दालें, आलू, ताज़े फल और सब्जियां हैं, वो रुकसान्स भोजन के मुख्य स्रोत हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रुकसान्स भोजन होता है, वो हमें किसी प्रकार का पोषक तत्व तो नहीं देता हमारे शरीर को, बट इट इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट फॉर ऑफ आवर फूड। लेकिन ये हमारे भोजन का एक आवश्यक तत्व है एंड एड्स टू इट्स बल्क। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड। ये जो है हमारे भोजन में, हमारे शरीर में भोजन को पचाने का कार्य करता है। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। और जो वाटर होता है हमारे शरीर में, वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अवशोषित करने का कार्य करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और हमारे शरीर से जो है हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए, मूत्र और पसीने के रूप में बाहर निकालने के लिए जो होता है ये सहायता करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट अवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। हमारे शरीर, हम जो होता है लिक्विड यानी कि द्रव के रूप में जो है वाटर को जो है अपने शरीर में लेते हैं, सच एज वाटर, मिल्क एंड टी, जैसे कि पानी के रूप में, दूध के रूप में या चाय के रूप में। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। और इसके साथ साथ जो होता है हमारा जो भोजन होता है उसमें हम जो है पानी मिलाकर उस भोजन को पकाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद का हमारा चैप्टर अभी बचा होगा, अगला पॉइंट यहाँ से बैलेंस डाइट से स्टार्ट होगा, इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।